हैं एक्सप्लोर विद दीपाकानंद के साथ में। तो मैंने बताया ना आपको कहाँ जा रहे हैं, आप चल रहे हो ना मेरे साथ बस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। तो मुझे लग रहा है ये मेरा कंटिन्यूस चौथा व्लॉग है जो कि अंधेरे में चालू हो रहा है। ट्रैवलर व्लॉग है भाई, क्या करें, मज़ा भी आता है और जल्दी उठना भी पड़ता है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो आज एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है और हम बहुत ही एक्सट्रीम प्लीजेंट एंड वंडरफुल लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं विद। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आनंद दिख रहे हैं क्योंकि लाइट थोड़ा कम है अभी गाड़ी के अंदर, बिकॉज अंधेरा हो रहा है। सो हम लोग जहाँ जा रहे हैं पहले आपको वहाँ का रूट बताएंगे और कहाँ पे रुकेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, राइट। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं आज उत्तराखंड में, चकराता हम लोग विजिट करेंगे। चकराता में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सुना है उस लोकेशन के बारे में और अनटस्ट लोकेशन है, एक्सट्रीम ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। सो देखते हैं कितना सरप्राइज हम लोगों को मिलेगा और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, चलिए सफ़र चालू करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। जय माता दी। और हाँ, अगर आप नए आए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जय माता दी। हे गाइस, तो हमारा 6-6.5 घंटे का सफ़र है चकराता तक, और अभी हम लोगों ने मेरठ क्रॉस करके समवेयर मुजफ्फरनगर के आसपास है, और ये सिक्स ऑफ द ढाबा, यहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके हैं। और ये देखिए सुबह अभी हुई नहीं है, बस स्टार्टिंग हो गई है अर्ली मॉर्निंग होने की। तो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और बिल्कुल हाईवे के बराबर में। चलिए चाय पीते और बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर सम फर्दर अपडेट्स। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं विकास नगर। तो हम लोग सुबह चले थे 4:30 बजे। यस, हमने आपको दिखाया अंधेरे में, उसके बाद हमें लगी भूख, फिर हमने खाए पराठे, चाय और पकोड़े जो कि थोड़े कम सीखे हुए थे, फिर हमने पैक करा लिया है। और अभी यहाँ से आगे 50 किलोमीटर और है जहाँ हमें जाना है, और ये बिल्कुल हाईवे के बराबर में ही हम लोग हैं। yes, guys. और दून हिल्स ढाबा, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इनके पराठे अच्छे थे, पराठे और चाय, है ना। yes. तो मज़ा आया। बस अब पहाड़ों की शुरुआत होने वाली, वैसे तो ऑलरेडी थोड़े थोड़े हो चुके हैं, लेकिन अब प्योरली हिल्स पे ड्राइव करेंगे, मज़ेदार है। और ये देखो हिना जी आ रही हैं। तो हम सब लोग खा पी के टन हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी नींद आएगी, लेकिन मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है गाड़ी चलाने के अलावा। चलिए जी, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। अभी कैमरे को हम परिवर्तित करते हैं सड़कों की तरफ और पहाड़ों की तरफ। वैसे आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन वो देखो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना, मुझे बहुत धूप लग रही है बिकॉज पहाड़ों की धूप बहुत तेज़ है, बट शायद क्लियर आपको पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, गुड टाइम टू कम। यहाँ से अभी है 26 किलोमीटर चकराता। मुझे जगह पसंद आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये नहीं दिखाना यार आप लोगों को, ये तो आप लोग देखते हो, जो दिखाना है वो देखो। Isn't it beautiful? Amazing. इस रास्ते से हम आ रहे हैं
और यहाँ जाना है चक्राता, इधर पड़ेगा जाके। और हाइट देखो माउंटेन्स की, मैं कैमरा रोटेट करके आप लोगों को शेयर कर, ये देखो गाइस, और ये है वैली। वो वहाँ पे कोई रिवर है, वो शायद बरसात में ज़्यादा पानी आता है लेकिन अभी कम है। और लुक एट द डेप्थ, और ये किसी की टपरी है जो अभी सीज़न नहीं है तो इसीलिए खाली है। और ये हमारे चैंपियन फोटो सेशन में बिजी हैं। और ये देखो वैली, तो लेट्स हैव फन। और आप हैं एक्सप्लोर विद दीपाकानंद के साथ में। तो दोस्तों ऐसे ही बस पर्वतों और वैलियों को देखते हुए और फोटो खिंचाते हुए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हम पहुँचे पहाड़ों की गोद में चक्राता। और ये देखे ब्यूटीफुल चक्राता जो बहुत ही ठंडा था और मज़ेदार एकदम। और फिर हम पहुँचे अपने रिजॉर्ट जो कि है प्रकृति अनवाइंड। तो आइए अब आपको रिजॉर्ट का टूर कराते हैं। वो सब रेस्टोरेंट एरिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दैट्स वाटरफॉल, ये इन्होंने स्पोर्ट्स का एरिया बनाया हुआ है, तो शाम को हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। रूम्स की कैटेगरी वो हैं, वो वाली कैटेगरी मैंने भी आपको दिखाई है, ये भी सेम कैटेगरी है। दोज आर प्राइवेट कॉटेजेस। सबसे अच्छी चीज़ है ये इस तरीके के झूले बनाए हुए हैं, और ग्राउंड अच्छा है, बड़ा ग्राउंड है, और ऑल कवर्ड बाय माउंटेन्स। सनसेट सनराइज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दैट इज चक्राता मेजर जो मेन है, एंड वो जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट्स अ टॉप पॉइंट, दैट्स चिरमिरी पॉइंट। तो अगर वहाँ पे हमारा प्लान है और बच्चों के लिए जंपिंग जैक, सब नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो चलिए हम आपको पहले रूम का एम्बियंस दिखाते हैं। ये हमारा प्यारा सा स्वीट सा रूम, और ये देखिए ये हमारा प्यारा सा बंदर बेड, काफ़ी बड़ा है और लिनन भी काफ़ी क्लीन है। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, बच्चों का बेड लगा हुआ है ऊपर, मुझे लगता नहीं पंखे की ज़रूरत है। बाथरूम अच्छा है, क्लीन है, फर्स्ट क्लास। और अब आपको दिखाता हूँ बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट इज दिस, ये पर्सनल बालकनी मेरी। और अब आती है असली चीज, लुक एट दिस गाइस, दिस इज वाओ। ये पूरा ग्रीन है, सनराइज पीछे से होता है और सनसेट शाम को यहाँ पे होगा, तो सनसेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लुक एट द वैली। तो गाइस व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो मेरे आने वाले व्लॉग्स के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर डालिएगा आपको कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड।